नमस्कार साथियों, ऐसा इंजन में दहन व्याख्यानों के सीरीज के खंड एक के भाग एक में हमने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया था कि कंबशन फिनोमेना या दहन फिनोमेना क्या होता है, और साथ ही हमने जाना था जो प्रमुख घटक एयर है कंबशन फिनोमेना के लिए, ऑक्सीकरण के लिए, उसकी बनावट या रचना किस प्रकार से होती है। अब यहाँ इस व्याख्यान में हम देखेंगे कि थ्योरेटिकल और स्टोइकोमेट्रिक एयर या एयर फ्यूल रेशियो, स्टोइकोमेट्रिक या थ्योरेटिकल एयर फ्यूल रेशो क्या होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंबशन या दहन के लिए, और वो उसकी गणना किस प्रकार से की जा सकती है, ये अब हमें देखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कंबशन प्रोसेस, जब थ्योरेटिकल या स्टोइकोमेट्रिक एयर कैलकुलेशन या कंबशन की बात की जा रही है, थ्योरेटिकल या स्टोइकोमेट्रिक, तो कंबशन जो है वो कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, या कंबशन प्रोसेस कंप्लीट तभी माना जाएगा जब फ्यूल के सारे कंपोनेंट्स जो भी हैं, ईंधन के जितने भी भाग हैं, या ईंधन पूर्ण रूप से वो उसका दहन हो जाए, और उसके दहन के प्रोडक्ट में ईंधन का और साथ ही ऑक्सीजन का कोई अंश ना रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंबशन प्रोसेस जो है वो पूर्ण है। तो इस पूर्ण कंबशन के आधार पर जो हमको एयर की आवश्यकता होती है और जो फ्यूल की आवश्यकता होती है, वो थ्योरेटिकल या स्टोइकोमेट्रिक फ्यूल और एयर कहलाते हैं। और इसको अगर हम गणना करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम आईसी या एसआई इंजन के लिए स्पेशली हम जो आदर्श फ्यूल लेते हैं वो होता है ऑक्टेन, और वास्तव में कहें तो आइसो ऑक्टेन नाम का आदर्श फ्यूल माना जाता है। उसकी इक्वेशन क्या रहेगी ये हम देखते हैं, या इसकी रासायनिक अभिक्रिया की जो इक्वेशन होती है वो क्या रहती है वो हम जाने सबसे पहले, तभी हम ये कंप्लीट कंबशन या थियोरटिकल स्टोइकोमेट्रिक एयर कैलकुलेशन कर पाएंगे। जो फ्यूल होता है हमारा, उसको हम एयर के साथ मिक्स करके कंबशन प्रोसेस करते हैं, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं, और इस अभिक्रिया में हम ऑक्सीजन को यूज करके फ्यूल का ऑक्सीकरण करते हैं, जैसे ही हीट उत्पन्न करते हैं। हीट उत्पन्न होने के अलावा हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं ये हमारे यहाँ रिएक्टेंट्स, फ्यूल और एयर, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी और नाइट्रोजन गैस मिलता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि मान लीजिए हम बाई वॉल्यूम बात करें सभी पदार्थों की जो हमारे इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, बाई वॉल्यूम या बाई मोल हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा पहले हमने चर्चा की थी कि 1 किलो मोल अगर हम फ्यूल लेते हैं तो उसके सापेक्ष अन्य कंपोनेंट्स या अन्य रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट क्या बनेंगे या क्या होंगे वो हम गणना करते हैं। तो मान लीजिए 1 किलो मोल फ्यूल के लिए हम 1 किलो मोल एयर लेते हैं, माना ए है, 2 किलो मोल जो है वो CO2 बनती है उससे, और 3 किलो मोल वाटर बनता है, और 2 किलो मोल हमारा नाइट्रोजन गैस बनती है। अब यहाँ देखें कि जो प्रोडक्ट्स हैं कंबशन के पश्चात, उन प्रोडक्ट में कहीं पर भी फ्यूल बचा हुआ नहीं है और ना ही ऑक्सीजन बची हुई है, सारी की सारी ऑक्सीजन काम में आ चुकी है, सी और OH के साथ कंबाइन होकर के, कार्बन या हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गई है, और फ्यूल का कोई अंश शेष नहीं है। तो ये कंप्लीट कंबशन की अभिक्रिया या की इक्वेशन है। तो ये एक कंप्लीट अपने थ्योरेटिकल या स्टोइकोमेट्रिक अभिक्रिया है कंबशन की। अब यहाँ फ्यूल जो मैंने आपको बताया कि हम एक ऑक्टेन लेते हैं आईसी इंजन, जो कि एसआई इंजन के सापेक्ष लेते हैं, इसी प्रकार से सीआई इंजन के अंदर हम C10 फ्यूल लेते हैं, यहाँ एसआई इंजन में हम ऑक्टेन लेते हैं। तो एसआई फ्यूल का जो ऑक्टेन का फार्मूला रहता है वो होता है C8H18। ये जनरलाइज फार्मूला है, एक आदर्श फ्यूल है, वास्तव में ये आदर्श फ्यूल होता है, ये वास्तविकता में एक हमें नहीं जाता, इसमें कुछ अशुद्धियां मिश्रित रहती है, परंतु चूंकि हम यहाँ ये थ्योरेटिकल स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इसलिए हम आदर्श फ्यूल लेंगे, C8H18 हमारा फ्यूल होता है। अब चूंकि हमने एयर लिया, तो जैसा पता है कि एयर का प्रमुख घटक हमने पिछले व्याख्यान में जाना था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही लिए जाते हैं, और ऑक्सीजन के मुकाबले में 3.76 गुना नाइट्रोजन होती है एयर के अंदर, अगर बाई वॉल्यूम हम तुलना करें दोनों की, तो उस केस में हमने एयर की जगह ऑक्सीजन और 3.76 नाइट्रोजन का एक मिश्रण को हमने एयर के रूप में रिप्रेजेंट किया, जो कि ए मोल ली गई है एयर, चूंकि ए मोल ली गई है A17। इसी प्रकार से बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मोल H2 और डी मोल नाइट्रोजन। अब इस इक्वेशन को जो अभी हमने थ्योरेटिकल एयर फ्यूल रेशो कैलकुलेशन करने के लिए हमने ये इक्वेशन निकाली थी, इसके द्वारा अब हम थ्योरेटिकल एयर फ्यूल रेशो ज्ञात करेंगे, थ्योरेटिकल या स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो ज्ञात करेंगे। ये क्या होता है एयर फ्यूल रेशो, जो ये होता है एयर फ्यूल रेशो बेसिकली मास ऑफ एयर, जब फ्यूल और एयर का मिश्रण बनाते हैं तो मास ऑफ एयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल, ये एयर फ्यूल का मिश्रण कहलाता है, जिसका कि मिश्रण बना करके कंबशन में रिएक्ट किया जाता है। अब मास ऑफ एयर क्या होता है, मास जो होता है किसी भी गैस का वो रहेगा उसका मोल मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास, तो यहाँ एयर का मोल और मोलर मास ऑफ एयर, और इसी तरह से मास ऑफ फ्यूल भी जो होगा वो मोलर मास ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाई बाय द मोल ऑफ द फ्यूल, ये हम रख देंगे
मास ऑफ फ्लूइड की जगह और मास ऑफ एयर की जगह रेस्पेक्टिवली। अब हमारी जो अभी पिछली इक्वेशन हमने देखी थी, जो स्टोइकोमेट्रिक कंबशन हो रहा है हमारा, जो थ्योरेटिकल आदर्श कंबशन हो रहा है जिसमें फ्यूल और ऑक्सीजन नहीं बच रहे हैं प्रोडक्ट में, वहाँ अभिक्रिया जो होती है वो इस प्रकार से होती है। और अभी सब अभिक्रिया को हम बैलेंस करके ये बाकी जो वेरिएबल है ए बी सी और डी का मान निकालेंगे। बैलेंस करने के बाद हमें ए और बी का मान जो आते हैं और सी और डी का मान आता है वो आता है 12.589 और 47 क्रमश। और फ्यूल जो है हमने एक मोल लिया है, तो एक मोल फ्यूल, किलो मोल फ्यूल के लिए 12.5 किलो मोल एयर है, 8 किलो मोल कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है, 9 किलो मोल वाटर वेपर उत्पन्न हो रही है और नाइट्रोजन गैस जो है वो 47 किलो मोल पैदा हो रही है। ये हमारा इस इक्वेशन को बैलेंस करने पर ज्ञात हुआ है। अब चूंकि हम ये भी जानते हैं, अब जब 12.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को खोल करके, तो 12.5 किलो मोल ऑक्सीजन हो जाएगी और इस 12.5 को 3.76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 किलो मोल नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। अब हम ये जानते हैं कि एयर जो है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण है, तो यानी 12.5 किलो मोल ऑक्सीजन और 47 किलो मोल नाइट्रोजन, ये दोनों मिलकर के 12.5 प्लस 47 यानी करीब 59.5 किलो मोल ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिलकर के पदार्थ का मिश्रण हो जाएगा जो कि एयर कहलाएगा। तो एयर जो होगी वो 59.5 हो जाएगी। ये हमने इसको सॉल्व किया है, तो 1 किलो मोल फ्यूल हो जाएगा, 59.5 किलो मोल एयर हो जाएगी, क्योंकि एयर इन दोनों मिश्रणों, इन दोनों गैसों के मिश्रण का योग होगी। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला करके हमारी एयर बनती है, तो हमारी एयर जो हो जाएगी वो कुल मिला के 59.5, इसको दोनों को जोड़ने पर जो आ रहा है। बाकी सब चीज़ें वही हैं, 8 मोल किलो मोल सी ओ टू, और ये इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हम चूँकि एयर और फ्यूल का ही हमें रेशियो निकालना है, तो हम एयर फ्यूल की मान की गणना करेंगे यहाँ। अब यहाँ चूँकि फ्यूल के मोल, एंड फ्यूल इज द मोल ऑफ द फ्यूल, फ्यूल के कितने किलो मोल लिए हमने, एक, यहाँ किलो मोल में बात करेंगे, एयर के हमने कितने किलो मोल लिए हैं, 59.5। अगर ये फ्यूल का एक लिया है तो इसका 59.8। अब मास ऑफ फ्यूल कितना है, मास ऑफ फ्यूल होगा क्योंकि C8 यानी कार्बन के 8 अणु होते हैं फ्यूल में, कार्बन का मोलर मास होता है 12, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एच 18 होता है फार्मूले के हिसाब से, तो हाइड्रोजन 18 होती है फ्यूल में, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 18। इस सूत्र को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा मोलर मास ऑफ फ्यूल आ जाता है, ईंधन का मोलर मास 114.1। इसी प्रकार से हमारी एयर का मास जो है पहले से हमें ज्ञात है लगभग 29 होता है, यानी 28.97। फार्मूले के हिसाब से ये थियोरेटिकल या स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो अगर हम ऑक्टेन का निकालें तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी है, ये हम इस फार्मूले में जानते हैं। एयर का हमें पता ही है मोल कितने हैं, मोलर मास हमें एयर का पता है, फ्यूल के मोल कितने हैं इस इक्वेशन में, मोलर मास कितना है, ये सभी वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं, 59 एयर के मोल, एयर का मास नीचे हम रखते हैं फ्यूल के मोल जो कि एक है, फ्यूल का मोल यहाँ से, और मॉलिकुलर मास अभी हमने निकाला है इसका फ्यूल का 114। ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये एयर फ्यूल रेशियो जो है स्टोइकोमेट्रिक का 15 आता है इस ऑक्टेन के लिए, तो ये हमारा एक आदर्श ऑक्टेन फ्यूल के लिए एयर फ्यूल रेशियो है 15। अब प्राय ये देखा जाता है कि हम एयर फ्यूल रेशियो या थ्योरेटिकल या स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो काम में नहीं लेते कंबशन फिनोमेना के लिए, क्योंकि कुछ व्यवहारिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ी सी एयर की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ती है, वी यूज मोर एयर, तो स्टोइकोमेट्रिक में जितनी एयर चाहिए उससे ज़्यादा हम एयर यूज़ करते हैं। और इस का फायदा ये होता है कि तो कंबशन उसके कारण कंप्लीट होता है, और तापमान जैसा मैं बताया था कि एडियाबेटिक टेम्परेचर जो होता है कंबशन चैम्बर का वो भी थोड़ा कूल डाउन हो जाता है ज़्यादा एयर लेने से, जिससे कि हमारे कंबशन चैम्बर के मटीरियल मेटलर्जिकल डैमेजेस नहीं होते। तो ये जो अमाउंट हम एक्सेस में लेते हैं एयर, मोर एयर जो हम लेते हैं थोड़ी सी जो स्टोइकोमेट्रिक से ऊपर होती है कहलाती है एक्सेस एयर। दिस टर्म इज वेरी यूजफुल और बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये टर्म एक्सेस एयर कहलाती है, जो कि स्टोइकोमेट्रिक एयर के मुकाबले में जितनी भी ज़्यादा ली जाती है, और इसको हम स्टोइकोमेट्रिक एयर के मुकाबले में प्रतिशत के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने 20% अतिरिक्त एयर ली है स्टोइकोमेट्रिक के मुकाबले में, एक स्टोइकोमेट्रिक के हिसाब से जितनी एयर लेनी चाहिए थी हमने उससे 20% अतिरिक्त एयर ली है, तो हम उसे लिखेंगे 120% स्टोइकोमेट्रिक एयर काम में लेंगे। यानी अगर हम 100% स्टोइकोमेट्रिक एयर काम में लेते हैं, इसका मतलब हमने वही एयर ली है जो कि स्टोइकोमेट्रिक अभिक्रिया के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ हम 120 यानी 20% अतिरिक्त एयर ले रहे हैं। 120% स्टोइकोमेट्रिक एयर का मतलब 20% हायर है हम स्टोइकोमेट्रिक एयर से, जो कि एक्सेस एयर कहलाएगी 20%। और एयर फ्यूल रेशियो जो है हम बहुत बार इक्विवेलेंट रेशियो के टर्म में भी हम इसको डिफाइन करते हैं इसी प्रकार से, इक्विवेलेंट रेशियो। तो ये जो एयर यूज होती है वो इक्विवेलेंट रेशियो के रूप में भी डिफाइन की जा सकती है। इक्विवेलेंट रेशियो एयर फ्यूल रेशियो क्या रहता है, एयर फ्यूल रेशियो जो वास्तव में होता है
हमने काम भी दिया है, मान लीजिए हमने एयर फ्यूल रेशो लिया है 18 काम है, और थ्योरेटिकल या स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो हमारा होता है 15 जैसा हम जानते हैं, और हमने लिया है 18, तो 18 बटा 15 बेसिकली दिख रहा है हमें एयर फ्यूल रेशो हायर है, तो ये हमने एक्सेस एयर काम में लिया, यानी एक से ज्यादा होने पर एयर फ्यूल रेशो एक से ज्यादा हो गया, यानी एयर फ्यूल रेशो जो एक्चुअल में हमने काम में लिया है वो ज्यादा है, यानी 20% ज्यादा है 15 के मुकाबले में 18, तो हमने एयर ज्यादा काम में लिए, एक्सेस एयर काम में लिए। इसी प्रकार से एयर फ्यूल रेशो अगर कम होगा, 15 मान लीजिए थ्योरेटिकल है और ये हम 12 ही लेते हैं, तो हमने 20% कम लिए, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक से कम यानी 0.8% के करीब आएगा, तो हम कहेंगे कि जो हमने एक्सेस एयर ना लेकर के लेस एयर ली है या एक्सेस फ्यूल लिया है, इस मिश्रण को हम रिच मिश्रण कहते हैं, क्योंकि ये एक्सेस फ्यूल के साथ होता है, फ्यूल की मात्रा ज्यादा होती है, तो फ्यूल के मामले में ये रिच होता है, धनी होता है, लीन यानी ये फ्यूल के मामले में लीन होता है यानी पतला होता है, इसमें एयर की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए पतला या लीन कहलाता है, तो ये ऐसे ध्यान रखा जा सकता है। तो जब भी लीन मिश्रण होगा तो वो स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो से ज्यादा एयर रखता होगा, और जब रिच होगा तो एयर जो है वो कम होगी स्टोइकोमेट्रिक के मुकाबले, ये ध्यान रखने वाली बात है। इस आधार पर हम अपनी इग्निशन लिमिट्स को, जो इग्निशन यानी हमारा जो दहन है या इग्निशन है वो हमारा, या प्रज्वलन जो है हमारा, वो प्रज्वलन की वास्तव में लिमिट क्या है, ये मैंने एक स्केल बताई है आपको, जिसमें हमने अपना बीच स्केल के जस्ट बीच में हमने अपना एयर फ्यूल रेशियो रखा है, जो कि स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो है। इसके दोनों साइड यानी इस साइड हम कहें तो देख रहे हैं आप 15 से कम हो रहा है, तो ये क्या रेशियो हो गया, दिख रहा है जैसे कि 9/15 हो जाएगा, तो ये बेसिकली रिच होता जा रहा है, एक से कम हो जाएगा यहाँ, और ये 15/15 होगा यहाँ पर, तो ये एक होगा, ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हो गया, और ये 21/15 होगा, तो एक्चुअल में 21 लिया गया जैसा, और थ्योरेटिकल 15 है, तो ये एक से ज्यादा होगा, तो ये लीन होगा, तो इस साइड हमारी स्केल के लीन है, इस साइड हमारा रिच मिश्रण, तो ये प्रैक्टिकल लिमिट है। अगर हम एयर फ्यूल रेशो, जरूरी नहीं कि हम थ्योरेटिकल एयर फ्यूल रेशो रहे हैं तो ही कंबशन होगा, नहीं, कंबशन रेशो थोड़ा, कंबशन जो है वो एयर फ्यूल रेशो अगर थोड़ा रिच साइड में भी हो या लीन साइड में भी हो तो भी हो जाता है, ये इसकी प्रैक्टिकल लिमिट्स है जिनमें ये होता है हमारी लिमिट। और थ्योरेटिकल जो इग्निशन लिमिट है हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स के लिए हमने तय किया, वो थोड़ी और एक्सपेंड हो जाती है, यानी कि अगर आप 7 रिच साइड में 7 तक चले जाएं आप एयर फ्यूल रेशो ले लें, और 30 तक आप लीन कर दें, यानी एयर 30 तक ले लें, यानी जस्ट डबल डबल एक्सेस 100% एक्सेस एयर ले लें, तो भी फ्यूल का कंबशन थ्योरेटिकली जो है इनिशियल लिमिट वही होती है, लेकिन कंबशन सक्सेसफुल होगा ये जरूरी नहीं है इस इनिशियल लिमिट, लेकिन प्रैक्टिकल लिमिट के अंदर दौरान ये सुनिश्चित है कि हमारे हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा ही होगा, यहाँ इग्निशन तो हो जाएगा लेकिन कंबशन नहीं होगा, इग्निशन मतलब दहन प्रारंभ होने के लिए इग्नाइट तो हो जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो ज्वाला है वो बुझ जाएगी, तो ये प्रैक्टिकल लिमिट है। इसके बीच में हम अपने एयर फ्यूल रेशो को तैयार कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड जो है वो टू रिच है साइड वाला इलाका, जो 7 से नीचे का है 30 से ऊपर का है वो टू लीन है, जैसा मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा लीन। अब यहाँ क्या होता है कि इन एक्सट्रीम रेंजेस में अगर आप फ्यूल एयर रेशो बनाते हैं तो क्या होता है कि दोनों ही साइड जो हीट रिलीज होती है जब कंबशन प्रक्रिया में, दो अगर रिच हो या बहुत ज्यादा लीन हो, बहुत ज्यादा रिच हो, तो जो कंबशन प्रारंभ करने के लिए जब हम उसका ज्वलन करते हैं, प्रज्वलन जैसे ही हम शुरू करते हैं या इग्निशन जैसे ही शुरू करते हैं, तो इतनी हीट पैदा नहीं होती, क्योंकि इधर रिच फ्यूल होता है, ज्यादा फ्यूल होता है वो भी कूल कर देता है हमारी फ्लेम, हमारी हीट को कम कर देता है, और ज्यादा एयर होने से भी हमारी हीट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो सराउंडिंग को चली जाती है, तो वो अपने आसपास के मिश्रण को जला नहीं पाता, और हमारा कंबशन जो है वो सस्टेन यानी स्थापित नहीं हो पाता, कंबशन हमारी चिंगारी तो लगती है लेकिन कंबशन स्थापित नहीं हो पाता। अब एक वास्तविक आईसी इंजन के लिए हमें, अब हम समझ सकते हैं कि हमें बेसिकली कंबशन सक्सेसफुल हो सके इसके लिए अब हमें क्या कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए जिसके कारण कि हमारा दहन जो है वो एक आईसी इंजन के अंदर सक्सेसफुल हो सके। सबसे पहले तो जैसा कि हमने पढ़ा कि एक कंबशनेबल मिक्सचर की प्रेजेंस, यानी दहन योग्य जो मिक्सचर है, मिश्रण है, वो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, जो एयर फ्यूल रेशो मैंने बताया आपको एक लिमिट के अंदर, प्रैक्टिकल लिमिट जो बताई गई थी आपको एयर फ्यूल रेशो की, जैसा मैंने बताई थी आपको, ये प्रैक्टिकल एयर लिमिट के अंदर हमें एयर फ्यूल रेशो को निर्मित करना है जिससे कि दहन हो सके। दूसरा, ये मिश्रण जब प्रेजेंट होता है तो खाली इस मिश्रण से काम नहीं चलेगा, इस मिश्रण के अलावा एक हमें इस कंबशन या दहन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कुछ तरीका होना चाहिए, यानी शुरू में कुछ हीट दी जानी चाहिए जो कि हम स्पार्क के माध्यम से या कंप्रेशन की हुई एयर के माध्यम से देते हैं। एसआई में इंजन में हम स्पार्क के माध्यम से और कंप्रेशन इंजन में हम कंप्रेस की हुई एयर की जो हीट होती है उसके माध्यम से हम अपने कंबशन को प्रारंभ करते हैं, तो एक प्रारंभ करने वाला स्रोत। अब प्रारंभ भी हो गया, कंबशन मिक्सचर भी है, तो ये जरूरी है कि ये प्रारंभ जो हुआ है हमारा कंबशन ये स्थापित हो जाए, यानी ये मुझे नहीं है समाप्त ना हो, और आगे ये कंबशन लगातार बढ़ता रहे, कंप्लीट कंबशन चैम्बर में जो उपस्थित हमारा कंबशन मिक्सचर है वो कंप्लीटली जल जाए, ये प्रोपोगेशन या इसका गमन होता रहे, जो फ्लेम बनी है हमारी वो फ्लेम बन के बुझ ना जाए, वो काफी आगे तक जाए और कंप्लीट कंबशन मिक्सचर को कंबशन चैम्बर में दहन कर लेगी। तो 3 कंडीशन पूरी होने पर हमारा कंबशन सक्सेसफुल माना जाएगा।
बेसिकली क्या होता है, शुरुआती एनर्जी जो हम प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर कंबशन में, वो इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो एक फ्लेम बना सके, और फ्लेम खुद सेल्फ सस्टेन होनी चाहिए। सेल्फ सस्टेन मतलब खुद ही अपने स्तर पर वो आगे का कंबशन स्टार्ट कर सके, जो कि उसके आसपास का कंबशेबल या दहन योग्य मिश्रण है उसको हीट प्रदान करती है ये फ्लेम, और ये फ्लेम ही उसको फिर दहन आगे मिश्रण का करती है, जिससे कि आगे हमें किसी मीन्स की आवश्यकता नहीं पड़ती बाहरी मीन्स की या तरीके की, जिससे कि हम कंबशन जारी रख सके। तो कंबशन फिनोमिना है वो सेल्फ सस्टेनिंग या खुद के आधार पर चलने वाला हो जाता है। धन्यवाद साथियों।